तो फिलहाल यूएल ही करवा रहे हैं। इसके अलावा जो आप रूम की है, क्या ये यूएचएस है, उसमें हुआ हुआ है सारा प्लान कि वहां पे हमें स्टार्ट होना है, लेकिन वो कब होना है ये अभी नहीं पता। लेकिन उसके ऊपर मेरे ख्याल है पिछले साल की बात है, मेरी सर से एक बात हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर काम चल रहा है। मेरा ख्याल है जब तक आप लोग ग्रेजुएट हो गए और फिर 1-2 साल लग जा रहे हैं इसपे प्रॉपर होने के लिए, अप्रूव होने के लिए, एमएस स्टार्ट हो जाएगी। और एमएस स्टार्ट होगी तो आप कोशिश करो यूएचएस से ही करो। चलो आप जो यूएमटी का प्राइवेट वाला वो लग गया, वो लग गया, वहां पे आप कोशिश कर लो कि आप यूएचएस के ही एमएस कर लो, ठीक है? वो एमएस एमआईटी में होगा और बेहतर है कि वही कर लो। नहीं होता तो उस टाइम तक मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, आप एक्सपीरियंस लेके रखो, आप कहीं पे भी ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो और दो उसके बाद जो है बाहर के लिए अप्लाई कर दो। बाहर जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस तो वैसे भी रिक्वायर्ड है ही, 2 साल का। टाइम ना वेस्ट करना कि बैठे रहो देखते रहो एमएस हो रहा है नहीं हो रहा, अपना एक्सपीरियंस तो जो आपको रिक्वायर्ड है वो तो कर लो ना, ठीक है? फिर ये होगा कि एक्सपीरियंस भी आ जाएगा 2 साल बाद, उस वक्त तक एमएस भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये कि आप बाहर चले जाओ, बाहर जाके एमएस करनी है वहां कर लो, जॉब वहां करनी है, डिप्लोमास बाहर बहुत है, ठीक है? तो वो आप लोग एक अच्छी अपनी डिग्री को कर सकते हो, एक तरफ लेकर जा सकते हो। हाँ जी, ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही है? ठीक यस मैम। है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आज का है हमारा रेडियो बायोलॉजी पे। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कुछ उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह, जितने भी रेडियोलॉजी के हमारे साइड इफेक्ट्स थे कि कैसे उनके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ने हैं रेडियो बायोलॉजी, बेसिकली क्या हमारे सेल्स हैं जो कि डैमेज होंगे और उनसे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ इफेक्ट्स हमारे अर्ली इफेक्ट्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स हमारे लेट इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है? जो उनको नेम मैंने कुछ दिए थे, कुछ हमारे इफेक्ट्स होते हैं स्टोमेटिक इफेक्ट्स हैं, फिर हमारे पास जेनेटिक इफेक्ट्स हैं, ठीक है? वो कैसे वो क्यों हम उनको ऐसे कहते हैं, कुछ हमारे ट्रेवल करते हैं जीन्स में, कुछ ऑन द स्पॉट जो है वो कोई उनको रिएक्शन हो गया है रेडिएशन से, उनको इफेक्ट्स ऐसे आए हैं कि वो उन्होंने ऑन द स्पॉट अर्ली इफेक्ट्स आपको शो करना स्टार्ट कर दिए हैं, विद इन फ्यू आवर्स भी हो सकता है, फ्यू डेज भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारे पास सारे जो थे वो अर्ली इफेक्ट्स थे। उसके अलावा हमने कुछ लेट इफेक्ट्स पढ़े थे। लेट इफेक्ट्स का ये मतलब होता है कि आप लोगों को उसी बंदे के अंदर जो कि हम लोगों ने जो रेडिएशन उसको लगी है, जो एक्सपोज हुआ है, उसको जो है कुछ टाइम के बाद रेडिएशन का इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, ठीक है? आओ पहले सवाल जो एक दफा, और आ रहा है कोई वॉइस? देखो जरा, आप 15 मिनट हो जाते हैं, आना ही नहीं आना, आप तो बड़े नॉन सीरियस, बीच में रुक जाता है, मैं बात स्टार्ट करती हूँ ना तो इस वजह से। अच्छा, बात कर रहे थे रेडियो बायोलॉजी के बारे में कि हमारी बॉडी को किस तरह रेडिएशन इफेक्ट करेगी, कुछ उसके इफेक्ट्स अर्ली है, कुछ हमारे पास लेट इफेक्ट्स है, ठीक है? कुछ लेट इफेक्ट्स जो हैं वो उसी के अंदर, उसी जो क्या कहते हैं रेडिएशन को एक्सपोज हुआ है बंदा, उसी के जो है ना लेट इफेक्ट्स आते हैं। कुछ हमारे जीन्स में ट्रेवल करते हैं, कुछ जो है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फीटस को इफेक्ट हो सकते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं कि दिस इज ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है? कॉज अभी तक हम लोगों को काफी बीमारियों के नहीं पता चलते हैं, जिसकी मैं बार बार कहती हूँ इस तरह के कॉजेज ज्यादातर रेडिएशन की वजह से ही उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? वी शुड नो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, कि जिसका कॉज हमें नहीं पता। जिस तरह फीटस के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या है, मे बी वो रेडिएशन को बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही थी, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई और ऐसे मैल फॉर्मेशन हो गई है फीटस की, उसकी जो डेवलपमेंट है प्रॉपर वो हो नहीं रही है, ठीक है? वो अपनी जो उसकी एज है उस एज से कम है, फीटस की एज उसकी कम है, डैट मीन्स वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो अंडर डेवलप है, ठीक है? उसके बाद कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा आजकल कॉमन है। हम लोग पहले सुनते थे, आजकल तो आप यकीन करो कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए बैठ जाओ कहीं पे, आपको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा मिल रही है, इतनी ज्यादा मिल रही है, उसके भी कॉज क्या है, रेडिएशन। पेशेंट कहेगा कि यार मैं तो कभी रेडिएशन में गया ही नहीं, उसको क्या पता है। मैं बता रही हूँ कि आजकल जो हमारा एनवायरमेंट, हमारी डाइट, हमारा सब कुछ ये रेडिएशन और ये सभी हम खा पी रहे हैं, ठीक है? वो नहीं भी एक्सपोज हो रहा, लेकिन वही रेडिएशन हर चीज के अंदर उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है?
बेसिकली रेडियो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑन बायोलॉजिकल टिश्यूज. हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं किस टाइप की रेडिएशन हैं जो कि हमारी बॉडी में इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं. कुछ हमने पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास फॉर्म्स हैं सारी, उसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हैं वही हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं. और वो कौन कौन सी होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन? हमारी एक्सरेज हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है. उसके अलावा पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेज हैं हमारी, ये सारी जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं. ये क्या करती हैं? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं, दैट मीन्स आयंस बना देती हैं, ठीक है. अब हमारे बॉडी एटम्स एटॉमिक लेवल पे जाकर जो है वो रेडिएशन इफेक्ट करती हैं, ठीक है. हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट दो जितने भी लेक्चर्स हैं कैसे रेडिएशन एटम को जाके एक्साइट करती हैं या फिर उसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती हैं या फिर उसके अंदर एडिशन होता है, ठीक है. वो रिमूवल या एडिशन जो क्या होता है वो एनर्जी ही होती है ना. वो एनर्जी जो है फिर हमारे बॉडी के अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे चली जाती है. एटम्स जो है मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं मिलके, वाटर मॉलिक्यूल्स जितने पहले एटम फिर मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी कॉन्टेंट्स क्या होते हैं ज्यादातर वाटर है उसके अंदर और बाकी चीजें हैं, क्या होंगे उन मॉलिक्यूल्स को रेडिकल्स फ्री आयंस उसके बना देती है, ठीक है. वो फ्री आयंस क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, हमारे सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. ये हमारी बायोलॉजी है जो कि रेडिएशन के इफेक्ट्स की वजह से इस तरह. तो इसको हम लोग आज पढ़ते हैं, रेडियो बायोलॉजी है. सो द इफेक्ट ऑफ एक्सरेज ऑन ह्यूमन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन एट द एटॉमिक लेवल. दीज एटॉमिक इंटरेक्शन टेक द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ द एनर्जी इन द टिश्यू. डिपॉजिट एनर्जी कैन प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूलर चेंज, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे रेडिएशन आपके एटॉमिक लेवल जो है हमारे एटम्स जितने भी हैं उसको डिस्टर्ब करेगी, उसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को या एक्साइट करके उसको उसके अंदर एडिशन होता है या फिर उसके अंदर रिमूवल होता है, ठीक है. उसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक. और उसकी वजह से जो क्या होगा, एनर्जी जो है वो डिपॉजिट होगी उस के अंदर और उस एनर्जी की वजह से जो एटम बाद में मॉलिक्यूल बनता है उसको डिस्टर्ब करके हमारे आयंस प्रोड्यूस करती है. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरेज या इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द ह्यूमन बॉडी. ये अगर चार्ट को देखो तो इसमें आपको समझ आएगी. देखो ये फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने जो डायग्राम से बनी हुई है किस तरह हमारी बॉडी को किस तरह रेडिएशन इफेक्ट कर रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ये क्या है, एक्सरे ट्यूब है, ये रेड कलर की क्या रेडिएशन निकल रही है, उसने क्या किया, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ. उसके बाद आयोनाइजिंग रेडिएशन या एक्साइटेशन, आयंस प्रोड्यूस हुई, एक्साइटेशन हुई एटम्स की, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर अल्ट्रेशन हुई उसके अंदर आयंस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है. मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके अंदर चेंज आया बाय डायरेक्ट इफेक्ट या बाय इंटरेक्शन विद द वॉटर. फिर एंजाइमेटिक रिपेयर आगे जो है वो आगे मैंने सिर्फ इतना बताया था कि वो सेल्स को हमारे डैमेज करती है. इतनी डिटेल है ये थोड़ी सी कि सेल को किस तरह वो डिस्टर्ब करेगी, या तो सेल की डेथ हो सकती है या उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है. सेल डेथ क्या कॉज करेगी, ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और पेशेंट कैसे हमारे पास रिप्रेजेंट करता है. उन्हीं मॉलिक्यूलर चेंज को आगे देखें, पॉइंट म्यूटेशन होती है जब, ठीक है, डीएनए के अंदर म्यूटेशन का प्रोसेस जब आपने पढ़ा होगा ना सारा आपने उसमें पैथोलॉजी वगैरह में और फिजियोलॉजी में, ठीक है. म्यूटेशन हुई हैं उसकी वजह से, क्योंकि डीएनए इफेक्ट हुआ है आपके, तो डीएनए इफेक्ट हुआ है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डीएनए इफेक्ट हुआ, तो वो जीन्स में ट्रेवल करेगा. जीन्स में ट्रेवल करेगा तो वो जेनेटिक डैमेज जितने हैं वो क्या पता आपकी एक जनरेशन में, दूसरी में, तीसरी जनरेशन, मतलब जनरेशन में वो फिर कॉज जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, क्योंकि उसने डीएनए में चले गए. उसके अलावा बायोकेमिकल लीजन, सेल डेथ होती है, स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स आज हम लोगों ने पढ़ने हैं. व्हाट आर दीज? दे आर अर्ली इफेक्ट्स एंड लेट इफेक्ट्स, ठीक है. डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो कि अर्ली जिनको कहते हैं, जिनका रिजल्ट हमारे पास फौरन से आता है, उसमें हमारी डेथ भी हो सकती है, ऑर्गन के डिसफंक्शन भी हो सकते हैं और टिश्यू डैमेज भी हो सकता है. और जो स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स होते हैं दे आर लेट इफेक्ट्स, ठीक है. उनको अगर हम लोग उस जुबान में देखें तो वन इज द अर्ली इफेक्ट एंड अदर वन इज द लेट इफेक्ट. तो उसकी वजह से लीकीमिया, कैंसर, टिश्यू, ये जो चीजें ना ये लेट हमारे पास आना शुरू होती है. एक बंदे को कैंसर हुआ, किसी भी बंदे को कैंसर हुआ आज तक उसकी हिस्ट्री में कोई कैंसर नहीं था, ठीक है. आजकल जिस तरह हमें बैठे बैठा किसी की फैमिली में जिसको कैंसर है, ना उसकी फैमिली में कहीं उसको कैंसर था, ठीक है, ना उसके कोई इस तरह की मसला हुआ कि कैंसर हुआ, देन अगेन हम कैंसर को कह सकते हैं कि इसका कॉज नहीं पता. तो फौरन से मेरे तो जहन में फौरन एक ही चीज आती है, रेडिएशन, ठीक है. बेशक वो रेडिएशन को एक्सपोज नहीं हुआ है लेकिन वो हम लोग जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं और जितनी रैपिडली कैंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है ना,
वो हमारी ये सारी की सारी रेडिएशन है, हम रेडिएशन में ही रह रहे हैं, ठीक है, वो ही कॉज कर रहे हैं, वो कैसे हमारे कैंसर्स को, कैसे कैंसर होता क्या है, कैंसर सेल्स को क्या क्या करता है, एबनॉर्मल ग्रोथ है ना, तो सेल्स को डैमेज, सेलुलर लेवल, एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो सेल्स की एबनॉर्मेलिटी है वो ड्यू टू रेडिएशन ही है ना, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि उसने बिल्कुल एटम फिर चले जाओ, मॉलिक्यूल्स बाद में बनते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जितने भी सेल हैं उसके जो एटम के अंदर जो एक्साइटेशन, उसके अंदर एनर्जी डेपोजिशन, एबनॉर्मल ग्रोथ, ये सब कुछ सेल लेवल पे होगी, और सेल लेवल मेरा ख्याल है कि रेडिएशन ही जो है वो सारा डैमेज कर रहा है इन चीजों को, ठीक है। एक कॉज तो हम पढ़ रहे हैं, मे बी कोई और कॉज भी हो सकती है, लेकिन जो अब तक मुझे समझ आई है वो सिर्फ रेडिएशन ही है जो कि बर्बाद कर रही है दुनिया को, ठीक है। इतनी एबनॉर्मेलिटीज, वही एबनॉर्मेलिटीज अगर देखे तो कैंसर कितना ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके अलावा देखे तो एबनॉर्मेलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ रही है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज क्या है, पहले इतने ज्यादा नहीं थे, अब क्यों है इतनी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, वही फीटस जो है कभी एक्सपोज हुआ है, नहीं हुआ, मदर तो एक्सपोज हो रही है इस एनवायरमेंट से और इस रेडिएशन से और इन सबसे, ठीक है, हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हम किस जगह, किस एरिया में बैठे हुए हैं और उस जगह पे क्या रेडिएशन है, ठीक है। तो ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज आती जा रही है हमारे आराम के लिए उतनी टेक्नोलॉजीज हमारे लिए नुकसानदेह भी, ठीक है, पहले कभी इस तरह की बीमारियां नहीं सुनी थी, जितने ज्यादा टेक्नोलॉजीज और हॉस्पिटल के अंदर हमारे लिए सहूलतें आ गई उतनी बीमारियां भी आ गई, ठीक है। तो ये जो पूरा टेबल आप देख रहे हो ना, ये इस तरह इफेक्ट होता है कि एक्सरेस कैसे अब आपके एटम्स को एक्साइट या आयनाइज करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर अल्ट्रेशन होगी, उसके बाद किस तरह जो है वो उसकी डीएनए को अगर उसमें म्यूटेशन हो रही है डीएनए के अंदर, जेनेटिक डैमेज हो रहा है तो वो जीन्स में किस तरह ट्रेवल करेगा, अदरवाइज उसके दो इफेक्ट्स होंगे, या स्टोकेस्टिक या फिर डिटर्मिनिस्टिक, उसको हम अर्ली और लेट इफेक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू द आयनाइजिंग रेडिएशन, वो क्या क्या है हमारे पास, डायग्राम्स लगाई है ना मैंने, वो भी तो दिखानी है ना कैसे बॉडी के अंदर इफेक्ट्स आ रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या हमारे पास जितनी वेव्स है उनके क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये मेन मेन हम लोगों ने लिखे हैं, फिर हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे अर्ली और लेट के अंदर के पेशेंट जो है उसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, हेडेक्स है, उसको स्किन की प्रॉब्लम्स हो गई है, मसल वीकनेस, ज्वाइंट पेन, अब ज्वाइंट पेन आजकल कितना ज्यादा है, ठीक है, यंग एजेस के अंदर भी वो पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है कि जो है इसको अभी एज इतनी है नहीं है, और हम हमारे खासतौर पर बड़े जो हमें कह रहे होते हैं कि हमें इस उम्र में आगे दर्दें शुरू हुई हैं, तुम लोग अभी से ही कह रहे होते हो कि दर्दें हो रही हैं, ये नहीं उठा नहीं जा रहा, टांगों में दर्द है, ये वो, एक ये कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, ठीक है, पहले होता था हम लोग खेलते थे, भागते थे, मतलब एक फिजिकल हमारे पास एक माइंड फ्रेश रहता था, आजकल क्या सब मोबाइलों में घुसे हुए, नहीं बच्चों को, इवन के छोटे छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल में लेके बैठे हुए, नहीं वो खेल रहे हैं, प्रॉपर एक फिजिकल हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए वैसे जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ करें, ठीक है, हमारी वीकनेसेस वो जो थी वो, फिर हम लोग कहते हैं इवन हम जिम ज्वाइन कर लो, वही चीजें हैं कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज रहे, एक्सरसाइज करते रहे, अगर हम लोग अपनी रूटीन को ही इतनी अच्छी उस तरह रहे कि हमारी एक्सरसाइज ही खुद ही होती रहे, हमें जिम ज्वाइन जाना ही ना पड़े, खा भी रहे हैं उसी तरह का गंदबला सारा कुछ और फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, डाइट अपनी अच्छी रखो, डाइट भी बंदा किस हद तक अच्छी कर सकता है, हर चीज में वो स्टीरॉइड्स है, ठीक है, दूध है वो हम कहते हैं दूध पियो, दूध पियो, दूध भी स्टीरॉइड्स है, ठीक है, चिकन वो स्टीरॉइड्स है, वेजिटेबल्स वो हमारे पास फ्रेश मतलब आती हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरह आती हैं और क्या क्या उसके पीछे, उनको भी कुछ ना कुछ फ्रेश रखने के लिए रखते हैं ये लोग चीजें, ठीक है, तो वो जो पहले वाली चीजें थी वो सब खत्म हो गई, इसीलिए फिर वो बीमारियां भी तो उसी तरह फिर बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, इंसान उसी तरह वीक होता जा रहा है, तो इनको हम लोग फिर दो या तीन हम लोगों ने आज इफेक्ट्स पढ़ने हैं, नंबर वन इज द अर्ली इफेक्ट जिसको डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स भी कहते हैं, नंबर टू इज द स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स जिनको हम लोग लेट इफेक्ट्स कहते हैं, और तीसरा हमारे पास फीटस जो कि इरेडिएटेड है, जो कि रेडिएशन को एक्सपोज हुआ है, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो अर्ली इफेक्ट्स हमारे पास ह्यूमन की कौन कौन से हैं, ये चार हैं, एक है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, दूसरा है लोकल टिश्यू डैमेज, हेमाटोलॉजिक डिप्रेशन एंड साइटोजेनेटिक डैमेज, ठीक है, ये आगे उसके डिफरेंट टाइप्स हैं कि एक्यूट रेडिएशन में हेमाटोलॉजिक सिंड्रोम्स हो सकते हैं, मेनली जो एक्यूट है वो तीन हमारे जो वाइटल कह लें वाइटल रीजन्स में ही इफेक्ट्स होगा, एक तो हमारे ब्लड को, ठीक है, दूसरा हमारे जो है जीआई ट्रैक को, तीसरा हमारे नर्वस सिस्टम को, ठीक है, ये तीन जो हमारे मेजर कह लें वाइटल रीजन्स हैं इनको इफेक्ट्स करता है एक्यूट अगर रिस्पॉन्स आता है रेडिएशन का अर्ली, ठीक है, फिर उसके बाद लोकल जो है
अब ये एक्यूट जो है वो ओवरऑल बॉडी के अंदर कोई इस तरह का सिम्टम आना शुरू हो गया, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, उसको हेडेक स्टार्ट हो गई है, उसको चक्कर बड़े शदीद आते हैं आजकल, और यहाँ फिर उसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेनली वो उसने उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज किया है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जी आई ट्रैक पे भी पेशेंट को जी हर वक्त डायरिया ही रहता है या उसको प्रॉब्लम पेट का ही रहता है हर वक्त यही प्रॉब्लम के साथ, और रेडिएशन को एक्सपोज किया तो उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम, उसको पेट की बीमारियां ही रह रही हैं हर वक्त, उसको कोई ना कोई इनडाइजेशन है और प्रॉब्लम रह रहा है, तो डैट मीन्स जो उसको एक्यूट अर्ली इफेक्ट आया है उसके जी आई ट्रैक को उसने इफेक्ट किया। अगर लोकल अगर टिश्यू डैमेज देखें कि अगर वो रेडिएशन को एक्सपोज हुआ है और उसकी स्किन खराब होना शुरू हो गई है, ठीक है, उसके एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम, गोनाड्स में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें उसकी लोकल एबनॉर्मलिटी कह रही हूँ, एंड लोकल हमारे पास डैमेज है जो कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको स्किन में प्रॉब्लम आ रही है उसके बाजू में या एक जगह हाथ में पाँव में, तो दीज आर द लोकल टिश्यू डैमेज। फिर तो हेमेटोलॉजिक डिप्रेशन हुई है कि हमारे उसने ब्लड को कैसे इफेक्ट किया है, और साइटोजेनेटिक डैमेज जो है वो सेलुलर लेवल के ऊपर उसमें डैमेज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास कुछ आप टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल के अंदर जो है आपको कुछ थ्रेशोल्ड डोजेस के बारे में बताया हुआ है कि कितनी डोज उस पेशेंट को लगेगी तो ही इफेक्ट आएगा। हम कह तो रहे ना कि उसका अर्ली इफेक्ट आ गया है, उसको लेट इफेक्ट आ गया है, किस हद तक उसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, कितनी उसको थ्रेशोल्ड डोज लग गई है, तो डैट मीन्स उसमें इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टेबल है, अगर तो उसका इफेक्ट आया डेथ, ठीक है, और उसने एनाटॉमी साइड कौन सी, उसकी फुल होल बॉडी को उसको रेडिएशन मिली है, ठीक है, और उसमें थ्रेशोल्ड डोज क्या थी हमारे पास 200 रैड एब्जॉर्ब डोज, जो 200 रैड आपकी एब्जॉर्ब डोज उसको मिल गई है, डैट मीन उसका इफेक्ट क्या आ सकता है डेथ, ठीक है। इसके अलावा और हेमेटोलॉजिक डिप्रेशन, स्किन एरिथमिया, एपिलेशन, ये सारे हमारे पास इफेक्ट्स हैं, और उसने किस जगह को इफेक्ट करना है, किसी ने होल बॉडी को, किसी ने किसी स्पेसिफिक लोकल जगह को इफेक्ट किया है, और ये आगे उसके जो है ना उसकी थ्रेश होल्ड डोजेज हैं कि इस लिमिट को अगर क्रॉस कर लिया है या इतने लिमिट की उसको डोज मिल गई है तो प्रॉबेबली चांसेस हैं कि उसको ये इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये थ्रेश होल्ड, दूसरा हमारे पास लेट इफेक्ट्स हैं, लेट इफेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि उसको जी ब्लड का कैंसर हो गया, ज्यादातर कैंसर और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना वो लेट इफेक्ट्स हैं, फौरन से तो हमें एकदम से तो नहीं उसको हो गया कि एक डेढ़ हफ्ते में जो है उसको कैंसर हो गया, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको साल बाद जो है रेडिएशन में काम कर रहा था उसको साल बाद जो है उसकी सेल डैमेज इतना ज्यादा होना शुरू हो गया तो यहाँ पे उसको ल्यूकेमिया होना शुरू होगा, ब्लड की प्रॉब्लम्स में आपको पता है ल्यूकेमिया कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर हो गया उसको, ठीक है। उसके अलावा अगर मलिग्नेंट डिजीजेस जितने भी कैंसर हैं, ये बोन कैंसर, लंग कैंसर, थायराइड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ये सारे कैंसर जो है ना दे आर द लेट इफेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। उसके अलावा लोकल टिश्यू डैमेज सेम वैसे ही है, हमारे पास स्किन, आईज और गोनाड्स, शॉर्टनिंग ऑफ द लाइफ स्पैन, कुछ हुआ नहीं है पेशेंट को, ठीक है, उसमें इफेक्ट्स कोई नहीं है बट उसकी जो लाइफ स्पैन है ना वो कम हो गई है, ठीक है, दैट मीन्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौत के मुंह की तरफ जा रहा है, जिस तरह कह लो कि वो रेडिएशन से ना एक्सपोज हो के उसके डेथ्स जो है उसके सेल्स की होना स्टार्ट हो गई है, तो उसको ऐसा इस तरह का एज सच कोई अफेक्ट नहीं आया, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक डैमेजेस हैं, लास्ट हमारे पास ये वाला है कि इफेक्ट्स ऑफ द फीटल रेडिएशन, के फीटल की अगर वो रेडिएशन है दैट मीन्स वो एक्सपोज हुआ है फीटस, तो फीटस को क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं रेडिएशन, नंबर वन इज द प्रीनेटल डेथ, मतलब पैदा होने से पहले उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, न्यूनेटल डेथ, बहुत छोटा है न्यूनेट है, न्यूनेट वन मंथ तक, ठीक है, उसमें उसकी वन मंथ तक उसकी डेथ हो सकती है। उसके अलावा कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन एंड कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज तो हम इतनी पढ़ ही रहे हैं कि हमें इतने ज्यादा पेशेंट एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं कंजेनिटल। चाइल्डहुड मैलेग्नेंसी, आप देखो बच्चा पैदा होते साथ ही हम कहते हैं भाई अभी तो पैदा हुआ है और अभी से कैंसर, ठीक है, ना वो किसी ने उसने कोई खुराक ऐसी ली है ना कोई ऐसा कुछ, तो कैंसर कैसे, ना उसके जीन्स में ट्रेवल होके आया है कि उसकी मदर को कैंसर था या ऊपर उसके क्या कह सकते हैं हम खानदान में किसी को कैंसर नहीं है, बच्चा पैदा हुआ है कैंसर के साथ, डैट मीन्स वो रेडिएशन को एक्सपोज हुआ है कहीं पे, डैट उसके सेल्स जो है वो एबनॉर्मली ग्रोथ किए हैं और वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर डिमिनिश ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके अंदर उसकी कोई लिम्स जो है वो छोटी रह गई हैं, उसकी अंडर डेवलप्ड है, वो ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं हो सकी है, ठीक है, मदर भी वो कह रही है कि भाई मैंने तो प्रॉपर डाइट ली है, सारा कुछ उसका ठीक जा रहा था, फिर उसकी अंडर डेवलप ग्रोथ कॉज वही रेडिएशन है, ठीक है। तो ये फीटल के इफेक्ट्स ये हमारे पास आ सकते हैं।
अच्छा, ये अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हम लोग जिस तरह कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी सेंसिटिव ट्राइमेस्टर, क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती हैं फीटस की, उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं और वो बड़ा सेंसिटिव ट्राइमेस्टर है कि उस टाइम पे अगर वो रेडिएशन को एक्सपोज करती है मदर तो चांसेस हैं कि उसके अंदर ये इफेक्ट्स आए, ठीक है? अबॉर्शन के चांसेस हैं, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस हैं, बिकॉज उस टाइम वो बहुत ज्यादा प्री मेच्योर क्या कहते हैं स्टेज होती है, उसमें सारे ऑर्गन्स उस वक्त बन रहे होते हैं और उस वक्त ऑर्गन्स बनते हुए उसके अंदर एबनॉर्मल सेल डैमेज हो जाए तो वो कॉज तो करेगा इफेक्ट वैसा ही, ठीक है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द मोस्ट सेंसिटिव ट्राइमेस्टर, तो उस टाइम तो बिल्कुल ही रेडिएशन से क्या कहते हैं ना अवॉइड ही करना चाहिए। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में इसीलिए एनामिली स्कैन करवाते हैं आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तकरीबन 18 वीक तक जो है, फिर भी सेकंड ट्राइमेस्टर के 2-3 हफ्ते बाद जो है वो हम लोग एनामिली स्कैन करवाते हैं, बिकॉज ऑर्गेनोजेनेसिस हो चुकी होती है और उसका एनामिली स्कैन इज इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखना है सारे ऑर्गन ठीक बने हैं कि नहीं बने हैं, ठीक है? एनामिली स्कैन इज टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी, ठीक है? बच्चे के सारे ऑर्गन्स तो बन गए हुए बट वी हैव टू डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी, तो वो एनामिली स्कैन उस टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? इसीलिए उस टाइम पे करते हैं क्योंकि उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसके सारे ऑर्गन्स बन गए हुए थे। अच्छा, दैट्स व्हाई देखो अगर रिलेटिव रिस्क देखे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा है कंपैरेटिव टू द सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद क्या होता है पेशेंट कह रही हूँ फीटस जो है वो फिर तो बच्चा तो बन गया होता है, उसने बस ग्रो करना है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसमें वेट ही गेन करना है और बड़ा ही होना है, ठीक है? उसमें क्या, उसमें चांसेस कम होते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आए क्योंकि अब उसके सेल्स जो है वो मिच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये इन्होंने वीक वाइज थोड़ा सा बता दिया सेकंड नीचे वाले के। इन यूट्रो जो होता है वो हमारे पास यूट्रस के अंदर रेडिएशन के एक्सपोज होने की वजह से इफेक्ट्स आते हैं, तो ये इन्होंने वीक वाइज बताया 0 to 2 week के अंदर अगर वो एक्सपोज है रेडिएशन को तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, ठीक है? और यही सबसे ज्यादा इसका 25% इसकी अक्रेंस रेट है, ठीक है? दैट मीन्स अबॉर्शन जो है वो अर्ली स्टेज पे अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अबॉर्शन ही हो उसको स्पॉन्टेनियस तो पता ही नहीं चला अबॉर्ट हो गया खुद ही सेकेंड वीक के अंदर, ठीक है? अच्छा, सेकेंड से 10 week के अंदर कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, वही स्टेज आ गई है कि उसकी एबनॉर्मेलिटीज कंजेनिटल, जैसा मैंने डाउन सिंड्रोम बताया था इनको विजनल वालों को कि 12 week तक जो है वो हम लोग डाउन सिंड्रोम को बड़ी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, जब हम एबनॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे कि उसके नेक के पीछे आपको फ्लूइड नजर आता है, डेट मीन्स दैट इज अ साइन, वो ट्राइसोमी 21 का साइन होता है कि उसके अंदर डाउन सिंड्रोम, वो बच्चा डाउन सिंड्रोम होता है। तो वो एक लेवल होता है कि उसको उस लेवल को मेजर करते हैं, ठीक है? वो कितना लेवल होता है जो हमारे नेक के पीछे उसको क्या कहते हैं वो हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो उस नॉर्मल कितना होता है उसको एक्सीड कर जाता है वो लेवल फ्लूइड को, तो वो क्या कहता है कि वो एबनॉर्मल फ्लूइड है, दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स द ट्राइसोमी 21 और वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। बच्चा जो है 12 week तक वो स्कैन में हम डाउन सिंड्रोम को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी जितनी है वो 2 to 10 week के अंदर हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, 5% उसका अकरेंस रेट है। 15 week तक जो है मेंटल रिटार्डेशन की तरफ बच्चा चला गया, ठीक है? अब वो डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है? हमें अल्ट्रासोनोग्राफी जो अगर हम कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें कुछ चीज ऐसे एबनॉर्मल नजर नहीं आएगी, बट रिटार्डेड है, ठीक है? बच्चा जब पैदा होगा तो वो मे बी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उसको कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी, वैसे उसके सारे ऑर्गन दिखने में सब कुछ ठीक है, क्योंकि मेंटल जो है ना रिटार्डेशन जो है उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है? तो ऑर्गन्स उसके पूरे होते हैं। 0 to 9 मैलिग्नेंट डिजीजे, 0 to 9 ये सारे आगे जो है जेनेटिक म्यूटेशन या इम्पेयर ग्रोथ और वो सारा उस टाइम पे कुछ कोई भी इफेक्ट हो सकता है बिकॉज उसकी इमेच्योरिटी है, जेनेटिक उसको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, उस बच्चे के अंदर जीन मे बी उस बच्चे के अंदर जीन म्यूटेशन होगी, उस बच्चे के अंदर अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो मे बी आगे उस बच्चे के भी आगे जो है ना क्या पता वो जीन्स में ट्रेवल हुआ है। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी दादी नानी या उसको था ये प्रॉब्लम और हमारी मदर को नहीं है, हमारे फादर को नहीं है लेकिन हमारे इसमें आया है, ठीक है? इसी तरह उस बच्चे में नहीं आया लेकिन उसके जीन्स में वो चला गया, मदर एक्सपोज हुई थी, मदर के उसके जीन्स खराब हो गया लेकिन अब उसमें तो इफेक्ट नहीं आया लेकिन मे बी उसकी अगली वाली जनरेशन में वो वाला इफेक्ट उसके जीन्स में ट्रेवल करके आगे चला गया, ठीक है? तो ये वीक वाइज हमारे पास अकरेंस रेट है उसका। अच्छा,
ये एक मजे का टेबल है, इसमें क्या बताया हुआ है कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन होम रेडिएशन इफेक्ट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। ये एक रिसर्च उन्होंने की थी कि किन कौन से लोग हैं जिनके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि रेडिएशन उनको अफेक्ट कर सकती है। अमेरिकन रेडियोलॉजिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा लिकीमिया देखा गया, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, एक तो अमेरिकन आपको पता है रिसर्च काम बहुत ज्यादा करते हैं हर चीज में, वो हमारी तरह नहीं है कि बस अपना टाइम पूरा किया और निकल गया, वो तो पता नहीं अंदर घुसते हैं और पता नहीं क्या क्या, नेशनल ज्योग्राफी देख लो कहाँ पे घुसे होते हैं, वो तो हर चीज की उसमें करते रिसर्चेज में देख रहे होते हैं। रेडिएशन में बहुत ज्यादा काम है उनका, रेडिएशन में काम करते हैं, तो उनमें देखा गया है लिकीमिया बहुत ज्यादा, ब्लड कैंसर रेडियोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है। या रिड्यूस लाइफ स्पैन, अटोमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स, रेडिएशन एक्सीडेंट विक्टिम्स, इनके अंदर या मेलेग्नेंट डिजीजेज, ठीक है, ये बस एक आपके नॉलेज के लिए गया कि इनके अंदर ये पॉपुलेशन, ये वाले स्पेसिफिक लोग जो ये वाला काम कर रहे हैं तो इनके अंदर ये वाले होने के चांसेस। पेशेंट हु अंडरवेंट थॉरो स्ट्रेट स्टडीज, ये जो हमारे लिवर कैंसर है ना उनके अंदर जो खास तौर पे स्टडीज ऐसी, वही बात है कि जो रेडिएशन में काम कर रहे हैं उनकी स्टडीज ऐसी हैं, रिसर्चेज ऐसी हैं, उनके अंदर इस तरह के बहुत ज्यादा देखे गए। अच्छा, अब ओवरऑल ये नॉट, ये वाला टेबल जो है वो रेडिएशन से नहीं है, ये ओवरऑल है कि किन के अंदर जो है वो लाइफ स्पैन या एक्सपेक्टेड डेज ऑफ लाइफ लॉस्ट, मतलब कि इतने दिन कम हो जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। अल्लाह ने जिंदगी तो अल्लाह ताला को पता है कितनी है, मैं नहीं पता, लेकिन ये जो हमारे साइंटिस्ट है ना उन्होंने एक रिसर्च बनाई हुई है कि ये वाला काम करोगे तो इतने दिन की जो आपकी अल्लाह ने अगर जिंदगी इतनी लिखी है ना तो उससे इतने दिन कम हो जाएंगे, ठीक है। लाइक मतलब कहने का है कि रिस्क क्या है इसका कि आपकी आपकी लाइफ कम हो रही है ये वाला काम करने से। अब नंबर वन उसको तो अच्छा मजे, नंबर वन ही बड़े मजे का, बीइंग मेल रादर देन फीमेल, मर्दों की जिंदगी कम होती है औरतों से, औरतें बहुत लंबा जीती हैं, ठीक है। ये मैंने भी बात सुनी थी कि मर्दों की जिंदगी कम होती है कंपेरेटिव टू फीमेल्स, ठीक है। 2800 days जो है वो उसके अंदर एक्सपेक्टेड डेज ऑफ लाइफ लॉस्ट हो सकता है कि उससे इतनी डेज कम होती है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सुना था, मेरे हस्बैंड वैसे छेड़ते रहते होते थे तो इस बात पे बात करते थे, कहते हैं इसलिए मेल्स जो है ना उनका डेथ रेट ज्यादा होता है, बेचारों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा आते हैं बेचारे जो है ना, और तो टेंशन ही इतनी देती है कि क्या करें, अब वो जो है ना टेंशन के मारे उनकी लाइफ कम हो जाती है, और तो अपने आप को बड़ा समझती, कहती है उनकी जिंदगी बड़ी लंबी है, वो खुश रहती है, वो जो है ना रिप्रेजेंट ऐसे करती है, उनको दुख सारे औरतों में है लेकिन औरतें ज्यादा खुश रहती हैं, वो निकाल देती हैं, औरतें जो है अपना दुख निकाल देती हैं, रो लेती हैं, ठीक है, मर्द रोता नहीं है, ठीक है, वो अपने अंदर ही अंदर जो है ना उनको उनको भी दुख होता है, उनको भी सारे वो सब कुछ जो है ना उनके इमोशंस भी होते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो कहते हैं ना अपने आप को, उस तरह उनकी लाइफ कम हो जाती है, तो निकाल देना इज गुड, औरतें निकाल लेती हैं। ये तो एक जोक जोक था। अच्छा, इसके अलावा हार्ट डिजीजे जितनी है उसके अंदर अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, दैट मींस उसके 2100 days जो है ना रिड्यूस हो गया उसको हार्ट डिजीज की वजह से, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड डेज है, एक बस ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह है सिगरेट, अब वन पैक ऑफ सिगरेट अ डे 1600 days उसके जो है ना वो कम होते जा रहे हैं, एक सिगरेट बींग अनमेरिड। सही है, माइंड अंदर थोड़ी जाती है वहां पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैंसर्स देख लो, उसके अलावा ये सारे हमारे पास कुछ सिर्फ रेडिएशन के नहीं है। हाँ कहते हैं शादी के बाद बीमारियां कम लगती हैं, लोग कहते हैं टेंशन बढ़ जाती हैं, कहते हैं शादी के बाद बीमारियां कम हो जाती हैं, तो इसलिए सिंगल लोगों को ज्यादा टेंशन होती है और अनमेरिड को जो है ना, ये बस एक रिसर्च है, मैंने कहा चलो इसको मैं बुक से ही सारा ये बनाती होती हूँ, तो मैं रीड कर रही थी बुक तो मुझे ये टेबल अच्छा लगा, मैंने कहा ये शेयर करना चाहिए आप लोगों से ये टेबल, तो मैंने हाँ दिखा ये सारे जागे दिखा रहा जो अनमेरिड है ना, तो वही हम लोगों की जिंदगी कम होती है। हाँ जी कितनी 2000 दिन कम हो गए हैं, डे बाय डे कम होते जा रहे हैं, तो जल्दी शादी करते हैं, मैं जीना चाहता हूँ। अभी कह रहे थे बूढ़ा होके क्या करना है, हाँ इतनी लंबी जिंदगी क्या करनी है जाके, तो अभी कह रहे हो शादी कर लो, इन्हें काम कुछ बन तो जाओ तुम, तो क्या कहते हैं जॉब शॉप तो कर लो, ठीक है।
अच्छा उसके अलावा कैंसर डिफरेंट हमारे पास. अच्छा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हम करते हैं मेल बेबी मेल्स की. अब तो फीमेल्स इतनी ज्यादा, मैं यकीन करो मैं ड्राइव कर रही थी, फीमेल्स इतनी नजर आ रही है मुझे बाइक्स पे आजकल. मैंने कहा क्या ट्रेंड आ गया है कि अब तो बाइक्स पे, चलो स्कूटीज हो तो फिर भी मजे की लगती है कि चलो स्कूटी है, वो प्रॉपर बाइक्स के ऊपर बैठी हुई है. और मैंने ज्यादा आंटियां देखी हैं, लड़कियां भी नहीं आंटियां देखी हैं. मैंने कहा चलो उनके घर पे कोई ऐसा नहीं है, अपना तो कर रही है ना पूरा सौदा, ला रही है बच्चों को स्कूल से लेके आ रही है. देखने वाले जो है हमारे पाकिस्तानी दो चार बाइक पीछे लगा लेते होते हैं कि चलो देखो जरा. यकीन करो मैं जा रही होती हूँ और जो बाइक्स पास है उन्हें मुड़के जरूर देखना होता है कि फीमेल जा रही है जैसा भी है. हाँ ऐसे ही है पूरा देखते हैं हमको. और क्या चलो स्कूटीज मैंने देखी हैं काफी, स्कूटीज इतनी बुरी नहीं लगती होती हैं स्कूटीज. चलो वही है फीमेल राइडर लगती है जिस तरह इंडिया के अंदर है, किसी की मोहताज तो नहीं है ना, अपना जा रही हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी जिस तरह भी जा रही हैं. नहीं तो आजकल हमारे पाकिस्तान में तो भाइयों के पीछे पड़े रहते हैं, भाई छोड़ाओ भाई ले जाओ ठीक है, अब छोड़ाओ. वही ना लड़के जो है वो आराम से बाइक पकड़ी और जितनी मर्जी निकल जाए, और फीमेल्स बेचारी देखती रह जाती हैं. मैं कहती हूँ चलो होना चाहिए स्कूटीज होनी चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी वही बात है जिस तरह पाकिस्तानी बड़ी मदद करने को पहुंच जाएंगे. तुम देखो तो सही फीमेल्स की बाइक खराब होती है, मेल के लिए नहीं रुकेंगे, ऐसी लाइन लगी होगी आपको हेल्प चाहिए वो उनको हेल्प ज्यादा मिलेगी ठीक है. तो पेट्रोल खत्म होगा बच्चे ला के देंगे पेट्रोल. ये हमारे जो फीमेल्स और मेल्स के यहाँ पे पाकिस्तान में है ना ये ट्रेंड. अच्छा नहीं ये मतलब आपकी नॉलेज के लिए ही है. क्या था वियतनाम? वियतनाम इज अ कंट्री. वियतनाम में अब ये क्या है मैंने टेबल के ना, वियतनाम कंट्री है इतना मुझे पता है, लेकिन वहाँ क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मे बी वहाँ पे कोई ऐसे बीमारियां चल रही हों जो जिसकी वजह से. मेरी एक दोस्त बन गई थी ऑनलाइन वियतनाम से, तब मुझे पता है वो है रेडियोलॉजी में काम करती थी, तो उससे मेरी थोड़ी बहुत हुई थी कि वो किस तरह वहाँ पे काम हो रहा है और इस तरह. वो तब याद आया वो वियतनाम की थी, वियतनाम कंट्री है. अब ये क्या वहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है उसका लाइफ वहाँ पे कम है, आई डोंट नो. अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट रेडिएशन प्रोटेक्शन, और उसके लिए जो अलारा जिस तरह हम फॉलो कर रहे थे ना, सेम लाइक दैट कार्डिनल प्रिंसिपल. मैं बहुत पूछती हूँ और आपके मतलब ये तो इजी सा है और आपको रट जाना चाहिए. व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल? कार्डिनल प्रिंसिपल के तीन प्रिंसिपल है. एक नंबर वन टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, TDS, इसको TDS कहते हैं, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, या याद कर लो कार्डिनल प्रिंसिपल. इफ आई आस्क व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल, उसके तीन प्रिंसिपल, नंबर वन टाइम, नंबर टू डिस्टेंस एंड शील्डिंग फॉर द रेडिएशन प्रोटेक्शन. इसका क्या मतलब है ये आपको नेक्स्ट टेबल में बता दिया तीनों को, कि टाइम डिस्टेंस शील्डिंग है ना, TDS भी इसको कहते हैं ठीक है. तो टाइम क्या है, कीप द टाइम ऑफ द एक्सपोजर टू द रेडिएशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल. नंबर टू डिस्टेंस, मेंटेन अ लार्ज डिस्टेंस एज पॉसिबल बिटवीन द सोर्स ऑफ रेडिएशन एंड द एक्सपोज पर्सन. रेडिएशन का जो सोर्स और जो हमारे पास क्या कह सकते हैं एक्सपोज्ड पर्सन है उसके दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दो, ताकि हम लोग उसको कम से कम रेडिएशन दे सकें. रेडिएशन प्रोटेक्शन की ये कार्डिनल प्रिंसिपल है. तीसरा क्या है, शील्डिंग, इंसर्ट शील्डिंग मटीरियल बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द एक्सपोज्ड पर्सन. बेसिकली आपने ये तीन चीजें याद रखनी है, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग. क्या है कार्डिनल प्रिंसिपल? टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, कम से कम टाइम, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस और ज्यादा से ज्यादा शील्डिंग हम लोग अप्लाई करें तो हमारे पास ये रेडिएशन प्रोटेक्शन हो सकती है. इनको हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ लें. मिनिमाइज टाइम, नंबर वन था जो हमारा टाइम था. द डोज टू एन इंडिविजुअल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर. इफ द टाइम ड्यूरिंग विच वन इज एक्सपोज टू रेडिएशन इज डबल, द एक्सपोजर विल बी डबल. अब ये नीचे देखो तो ये इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना. इफ आई आस्क टेल मी द फॉर्मूला ऑफ द टाइम इन कार्डिनल प्रिंसिपल, द एक्सपोजर इज इक्वल टू एक्सपोजर रेट इन टू एक्सपोजर टाइम. कि कितना एक्सपोजर रेट था उसका, कितना हम लोगों ने उसको डोज रखी थी और उसको मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो कि कितने टाइम के लिए उसको रेडिएशन, तो वो हमारे पास ओवरऑल एक्सपोजर आ जाएगा उसका ठीक है. ये एक न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में हम बड़े मजे मजे के न्यूमेरिकल्स करते थे. मैंने कहा दो चार दे ही दे, एग्जाम में भी दूंगी. फॉर्मूला याद हो गया ना ठीक है. तो जो है ना इसमें एक सिनेरियो है, क्योंकि सर ने कहा सिनेरियो क्वेश्चंस होने चाहिए. मैंने कहा चलो इस तरह के सिनेरियो सही दो तीन है देखो उसमें मजे का. हाँ नहीं मिड में नहीं.
अच्छा क्वेश्चन है, रेडिएशन रेडिएशन वर्कर इज एक्सपोज टू 0.3 मिलीग्रे पर आर, मतलब कि 230 मिली रोंजन पर आर उसको रेडिएशन मिली है फ्रॉम अ रेडिएशन सोर्स, इफ द वर्कर रिमेन्स इन दैट पोजीशन फॉर 36 मिनट व्हाट विल बी द टोटल ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब फॉर्मूला तो हमने एक्सपोजर का देख लिया, इज इक्वल टू एक्सपोजर रेट इन टू एक्सपोजर टाइम, रेट कितना है 0.3 और टाइम क्या है 36 मिनट एक्सपोज पर आर है ना, तो 60 इजी सा है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को और 0.1 उसको अगर मैं पूछूं तो 1.38 बस थोड़ा सा ऊपर नीचे वैल्यूज को कर दूंगी और क्या है बता दूंगी, अगर फाइनल में देना हुआ ना बता दूंगी, फिर ले आना कैलकुलेटर, ठीक है मजे का है थोड़ा सा, क्या बोर होते रहते थोड़े कैलकुलेशन वाली साइड पे भी, आप इंजीनियर्स भी तो हो ना, इंजीनियर्स हो ना, मैथ से भाग के ये इजी सा है, फॉर्मूला याद हो गया दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तो सेम इसी तरह का ही दे दूंगी वैल्यूज भी ऊपर नीचे कर दूंगी बस और क्या है इसमें, तुम्हें मैं अब चलो दूसरा है मैक्सिमाइज टाइम, दैट मींस उसका फॉर्मूला भी है छोटा सा नीचे तीन है ना, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, टाइम का क्या एक्सपोजर का हो गया एक्सपोजर इज इक्वल टू एक्सपोजर रेट इनटू टाइम, ठीक है तो एक्सपोजर रेट जितना भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना वो एक्सपोज हुआ है टाइम में 36 मिनट के लिए और पर आर 60 मिनट, ठीक है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो कि हमारे पास एक्सपोजर आ जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास है मैक्सिमाइज डिस्टेंस, हम लोगों ने सोर्स और एक्सपोज पर्सन का डिस्टेंस बढ़ाना है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द रेडिएशन एंड द पर्सन इंक्रीजेस रेडिएशन एक्सपोजर डिक्रीजेस रैपिडली, this decrease in exposure is calculated by inverse square law, ये inversely जो है ना वो relation है इनका, ठीक है एक जो है वो बढ़ रहा है और एक जो है वो कम हो रहा है, distance बढ़ रहा है उसकी radiation हमें कम मिल रही है, तो उसका क्या formula है new exposure over old exposure, new distance over old distance और square है दोनों के ऊपर, ठीक है ये square जो लिखा हुआ है ये, और इसका एक छोटा सा question है ये वाला के छोटा सा वो inverse है ना लग बढ़ा रहा है, ठीक है इनवर्स लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर जो है एक उसका न्यू एक्सपोजर होगा एक ओल्ड एक्सपोजर, डिस्टेंस को एक्चुअली हम लोगों ने देखना है, इसमें एक न्यूमेरिकल एन एक्स्ट्रा ट्यूब हैज एन आउटपुट इंटेंसिटी ऑफ दिस एट 100 सेंटीमीटर, ये उसका डिस्टेंस है। अच्छा इसको SID भी कहते हैं, SID क्या है टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है सोर्स टू इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑपरेटेड एट 70 kV, व्हाट वुड बी द रेडिएशन एक्सपोजर, अब उसने डिस्टेंस 350 सेंटीमीटर कर दिया है अब उसका एक्सपोजर कम हो जाएगा ना इतना उसमें, वैसे तो हमें नॉर्मली इतना पता है कि हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो एक्सपोजर रेट उसको जो है रेडिएशन जो है वो कम मिलेगी, तो हम कितनी कम मिलेगी 2.1, वो बस इनवर्स लॉ जो है इसमें अप्लाई कर दो वैल्यूज और बस। लास्ट है हमारे पास शील्डिंग, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बस इतना पता है कि हम लोग जो है इसका जो है हम लोग शील्डिंग इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इन रेडिएशन प्रोटेक्शन, तो वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास शील्डिंग्स होती हैं, पर्सनल शील्डिंग भी होती है जिसमें एप्रन्स हमारे पास ग्लव्स थायराइड की शील्ड ग्लासेस जो होती हैं वो बनी होती थी किसी स्पेशल मटेरियल की, ठीक है वो डिफरेंट हमारे पास शील्डिंग थी, उसके अलावा जो हमारी लेड वॉल थी रूम जो है वो प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है, उसके अलावा हमारे पास जो लेड के वो सामने जिसके पीछे खड़े होते हैं हम लोग, ठीक है तो ये हमारे बताने का मकसद ये है कि आपके पास शील्डिंग मैक्सिमम होनी चाहिए। खत्म हो गया लेक्चर, और ये हमारे पास पिक्चर है जिसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ द रेडिएशन प्रोटेक्शन इन रेडियोलॉजी, इसमें टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, बस इतना याद रखो कि व्हाट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल, इट इज TDC टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, व्हाट डज दैट मीन, मिनिमम टाइम मैक्सिमम डिस्टेंस एंड यूज ऑफ शील्डिंग, ठीक है यहाँ जितनी शील्डिंग जितना हम लोग उसको करेंगे उतना हमारे लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है तो ये बेसिकली आज का टॉपिक था रेडियो बायोलॉजी के ऊपर कि कैसे कैसे हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती है और क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं लीलेड और फीटस के, और इसके अलावा कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है इतना सा आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट। हाँ हर दफा भूल जाते हैं, यार मुझे ये वीकेंड हो, मैंने अभी पेपर नहीं बनाया ना, मैंने अभी लेक्चर्स भी नहीं खोले, तो
तो मेरा तो है कि अगर तो इसमें कोई बन रहे हुए तो एक दो 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 नंबर का मैं कोई ऐसी क्यों दे दूंगी कुछ, जिसमें एग्जांपल दे रही हूँ, व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग, दो नंबर पूरे मिल जाएंगे, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया। एक्स्ट्रा की इमेजेस जरूर देख लेना, ठीक है, एक्स्ट्रा इमेजेस देख लेना, उसके अलावा जरूरी नहीं है वही एक्सरे हो जो मैंने अब बता दिया, क्योंकि एक्सरे के ही इमेजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लेक्चर लेक्चर से देखूंगी, लेकिन मिलता जुलता गूगल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लेबल के लिए वहां पे लेबलिंग हुई होगी, तो मैंने मिलता जुलता वहां से बगैर लेबल के दे देना, ठीक है, देखूंगी उसमें। और मस्कुलर स्केलेटल के अंदर तो आपको इमेज आराम से आ जाए, अल्ट्रासाउंड वाला भी इमेज हो सकता है और दूसरा डायग्राम वाला भी इमेज हो सकता है, ठीक है, कोई एनाटॉमी वगैरह के लिए, जिस तरह आप नी की एनाटॉमी पढ़ रहे थे, नी के क्या क्या, ये लिगामेंट कौन सा है, ये लिगामेंट कौन सा है, उस तरह डायग्राम वाली इमेज भी दे सकते हैं लेबल करने के लिए ना। आप लोगों को एनाटॉमी याद करानी है अच्छे से, इस तरह एनाटॉमी याद होगी इमेजेस की, ठीक है। मेरा दिल है एक लेक्चर रखूँ इमेजिंग एनाटॉमी का आखिर में हर इसका, अब मेरे सिलेबस, ये भी लेक्चर मैंने खुद रात बैठ के बनाया, मैं रात को इतनी तबीयत खराब हुई थी, 2 बजे बैठ के मैंने फटाफट बुक खोली और बुक से मैंने यार रेडियो बायोलॉजी का लेक्चर बनाया। अब मेरा दिल है कि एक लेक्चर बनाऊं जिसके अंदर सिर्फ इमेजेस ही रखूं, ठीक है, ताकि उधर से पेपर भी तुम लोग उठा के दे सकूं फाइनल के लिए। लेकिन ये कि तुम लोग के इमेजेस आने चाहिए, अगला सिर्फ टॉपिक एक लेक्चर जरूर लास्ट वाला होगा जिसके अंदर सारे इमेजेस को हम लोग डिफाइन करेंगे एनाटॉमी को, ठीक है। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, हमें एयर को नहीं पता चलता कि अगर नॉर्मल कैसी एनाटॉमी है और एबनॉर्मल क्या चीजें हैं, ठीक है, कोई हमारे पास नॉर्मली एयर होती है तो इस तरह नजर आ रही होती है, कोई हमारे पास न्यूमोथोरेक्स है या फिर हमारे पास इस तरह की कोई एबनॉर्मैलिटीज है तो उसके अंदर किस तरह नजर आएगी, कैसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, तो नॉर्मल और एबनॉर्मल एनाटॉमी को जो है ना वो हम लोग इमेजेस सिर्फ देख लेंगे, उन इमेजेस को रीड कर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं एक लेक्चर सिर्फ हर सब्जेक्ट की, अल्ट्रासाउंड की तो साथ साथ ही है, उसकी मस्कुलोस्केलेटल की भी देख लेती हूँ और इसकी भी देख लेती हूँ, कोई एक एक टॉपिक जो है ना इमेजेस के ऊपर ही सारा डाल देती हूँ, ठीक है। अब आपको मेरा ख्याल है नेक्स्ट लेक्चर का में पेपर है, ट्यूसडे को पेपर है आपका? नहीं, मेरा पेपर मैमोग्राफी का। अच्छा, ट्यूसडे को किस टाइम पे है? इस टाइम पे लेक्चर टाइम, मतलब इस लेक्चर टाइम पे आपका मस्कुलोस्केलेटल है, लेक्चर नहीं होगा, ओके ठीक है, मतलब कि अब आपको मिड्स के बाद है, मेरा तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर ये वाला तो कंप्लीट हो गया, मैं वही बता रही हूँ, लेकिन अभी हम लोग ईमेल नहीं कर सकते सर को कि अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया, कहना इतनी जल्दी कंप्लीट करा लो, वो लेक्चर के वो सिर्फ बनाने के लिए, हाँ वही कह रही हूँ, कोई इमेजेस देख लेंगे या वैसे बातें चाते कर लेंगे, लेकिन लेक्चर होगा, ठीक है, तो लेक्चर में कुछ डिस्कस कर लेंगे, कुछ पुरानी बातें या रिविजन कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन का सर को ईमेल कर दूंगी कि रिवीजन किया, उसमें जो मर्जी पूछना हुआ, कुछ डिस्कस करना हुआ, कुछ डिस्कस कर लेंगे, बट अभी ट्यूसडे को तो वैसे ही नहीं है, आपके एग्जाम्स कब तक है? फ्राइडे को होगा, अगला फ्राइडे को तो लेक्चर होगा, फिर फ्राइडे को उस टाइम पे कोई आपका एग्जाम तो नहीं है 9:30 पे फ्राइडे को? मतलब फ्राइडे को लेक्चर होगा, मतलब तुम लोगों का अगर कोई और एग्जाम है तो वो निकाल लो, कब मेरा एग्जाम ताकि मुझे भी ना एग्जाम लेक्चर लेना पड़े, अच्छी बात है, समझने का कुछ और होता है यहाँ पे तो बताए, यहाँ पे ईमेल करनी पड़ती है अच्छे से। 9:30 बस ठीक है, लेक्चर नहीं होगा, किस 9:30 मुझे बस ये बताओ कि उस टाइम पे है पेपर के नहीं, 11 बजे है ना, पर पेपर तो 9, स्लॉट तो खाली नहीं ना जाएगी, या तो आपका एग्जाम हो तब स्लॉट छोड़नी पड़ेगी, अगर स्लॉट नहीं खाली तो फिर मुझे तो लेक्चर लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब कुछ होता है। अब तो क्लैश नहीं है तुम लोग की 9 डे शीट में? चलो अच्छा हो गया।
काफी ईमेल्स आई थी। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, मुझे काफी ज्यादा तुम लोगों को मैं कह भी रही थी, मैंने मुझे नहीं पता वो किस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, मैं हर क्लास में अनाउंस करती हूँ, मैंने मस्कुलोस्केलेटल में भी, रीजनल में भी और इसमें भी बच्चों ने मुझे असाइनमेंट जो है ना ईमेल्स की हुई है। मैंने तुम लोगों को पहले कहा था कि जिनका कोई मसला है तो मुझे वो सेंड कर दे, ठीक है, स्क्रीनशॉट के साथ या फिर जो कोई मसला वैलिड है। मेरे पास आधे से ज्यादा जो मेरे पास जो ईमेल्स आई हैं ना उनमें यही कहना है, मिस मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये सबमिशन की डेट थी 12 बजे थी कि तो मैंने इतने, या तुम लोग मुझे पागल समझते हो, जो भी जिसका रीजन था, ठीक है। अब क्या उनके मार्क डिटेक्ट नहीं होंगे, जो जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना पहले से ही अपना असाइनमेंट कम्प्लीट करके टाइम के साथ, अगर उनको पता है कि उनका साइज छोटा बड़ा है तो वो कोई और तरीका, एंड टाइम पे सारी चीजें याद आती हैं आप लोगों को कि भाई मेरा साइज बड़ा था या वो अपलोड नहीं हो रही है या मुझे टाइम का नहीं पता चला, मैंने एग्जैक्ट 12 बजे ये ईमेल करनी थी, वो 12 पीएम था या एएम था आखिरी दिन में, इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं। ठीक है आप लोगों से हो गया, लेकिन उसके मार्क्स जरूर थोड़े बहुत डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि जिनकी ये इस तरह, फिर मैं किसी के साथ अनफेयर नहीं करती, जो बच्चे जिनके साथ फेयर, जो वाकई डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, नंबर अच्छे लेना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने असाइनमेंट बनाई, टाइम पे कंप्लीट की, साइज देखा उनका, अगर नहीं अपलोड हो उन्होंने उसको कंप्रेस किया प्रॉपर तरीके से, नहीं तो उन्होंने जो उनको प्रॉब्लम आ रही स्क्रीनशॉट सेंड करके तरीके से किया। अब एग्जैक्ट 12 बजे मिस मुझे 12 का नहीं पता चला एएम था या पीएम था, या फिर आपको दिन तो पता है पूरे डेढ़ डेढ़ हफ्ते पहले कि मैंने असाइनमेंट्स आपको बताई हुई है, कंप्लीट करो टाइम से, ठीक है, एक दिन उसी दिन ही कंप्लीट करनी है। मुझे किसी का मैसेज आ रहा, मैं पता नहीं साहिवाल था या पता नहीं किधर गया हुआ था या गई हुई थी, मुझे उस दिन पता चला कि मैंने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है, एक दिन डिले हो गई, तो ठीक है मैंने असाइनमेंट सबकी एक्सेप्ट की है, जिनकी लेट भी हुई है मैंने एक्सेप्ट की है, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े जिनको भी मुझे जिनकी ईमेल्स आई है ना, ठीक है, और जिनकी वैलिड रीजन, उनके भी कुछ ना कुछ तो मार्क्स डिटेक्ट होंगे, ठीक है। ये इस तरह तो नहीं होता कि आप अनफेयर हर एक के साथ तो करो और उसको भी पूरे नंबर दे दो, भी इसने असाइनमेंट तो दिए बेशक लेट दिए किसी मसले से, उसको भी पूरे नंबर दे दो जिसने जो असाइनमेंट टाइम पे दिए और प्रॉपर सारे चैनल को फॉलो करते हुए दिए, तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में। एक कह रहा है कि मैं इस तरह काम करके, इस तरह तो आदत पड़ जाती है आप लोगों को, हम लोग अगले फ्यूचर के लिए प्लान आदत पड़ गई, लेट भी सबमिट करा दोगे तो नंबर मिल ही जाएंगे ना, इसने क्या इस तरह की, जब नई नंबर डिटेक्ट होंगे ना तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, नेक्स्ट टाइम आप टाइम पे सबमिट कराओगे, चीजों को देखते हुए सबमिट कराओगे, ठीक है। ये मैंने हर क्लास में बोलना है, क्योंकि मेरे पास आप यकीन करो मैंने उनको स्टार, अभी मैंने चेक किसी की नहीं किए, स्टार जितने देख रहे हो ना ये सारी ईमेल वो मेरे पास वो आई हुई है, असाइनमेंट्स हैं, ठीक है, मैं अभी इनको खोल के चेक के बाद में करूंगी, लेकिन आपको कहने का मतलब है कि वेरी इरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स ये जितने मेरे पास आए हैं, ये टाइम लेट की वजह से या जो भी जिस तरह है, थोड़े थोड़े मार्क्स जितने मैंने रखे हुए हैं, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के मार्क्स थे, इतने मार्क्स प्रेजेंटेशन के थे, मैंने असाइनमेंट को भी डिवाइड किया होता है कि असाइनमेंट के किस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, किस तरह बनाई है, कुछ मार्क्स उसके होंगे, ठीक है, कुछ मार्क्स टाइम के होंगे कि उन्होंने टाइम पर सबमिट करवाया कि नहीं करवाया, कुछ मार्क्स होंगे कि उन्होंने क्या चीज़ें मटीरियल एक्स्ट्रा ऐड की है उसमें, ठीक है, एक तो है ना कि मतलब बिल्कुल ही असाइनमेंट को अच्छे से किस तरह उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है, तो वो चीजें मार्क्स इस तरह मिलते होते हैं, हर एक को बस असाइनमेंट कॉपी पेस्ट की और फुल मार्क्स नहीं मिल जाते, असाइनमेंट 10% की है, ठीक है, 10% की है, इसीलिए मैं कहती हूँ फ्री मार्क्स आते हैं, ये फ्री मार्क्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे ने एक ने बना लिया तो उससे कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दो। मैंने आपको शायद दिखाई भी थी जिसमें माशाल्लाह से नाम भी बड़ी मुश्किल ही चेंज किया होना है, वरना तो नाम भी ना चेंज करती, और वो क्लासेस में भी नहीं आ रही है, और कुछ तो ऐसे शहजादे हैं जिन्होंने क्लासेस अटेंड ही नहीं किए इतने टाइम से, और अब मिड आया तो जनाब कह रहे हैं कि हमारा ये मसला था, हमारा वो मसला था, तो हमें तुम्हों को अलाउ किसने करना है जब अटेंडेंस तुम लोगों की शॉर्ट होगी। तो ठीक है मैं उनकी कहती होती हूँ जिनका वैलिड कोई रीजन था कि मेरी नेट चला गया, या जिन्होंने शुरू से क्लासेस ही हर रोज ही नहीं ले रहे हैं, उनका रोज ही नेट का इशू होता है, उन्होंने क्लास लेनी ही नहीं है, वो कुछ तो अपना कुछ बंदोबस्त करके रखते हैं कि क्लासेस लेनी है, हाँ असेसमेंट नहीं है क्योंकि किसी का नेट का इशू आ सकता है, किसी का असेसमेंट नहीं है, बट शॉर्ट अटेंडेंस तो हो सकती है ना, उसकी वजह से आपको अलाउ करेंगे एग्जाम में बैठना, छुट्टियां की हुई है मर्जी से कि हम बाद में जो लेक्चर सुन लेंगे, हर चीज जो है ना तुम लोगों को तो ईजी दे देते हैं, बाद में हम भी खींचते हैं कि भाई तुम लोगों को दिया तो था इस चीज का, लेकिन इसको इसका फायदा ना उठाया करो, ठीक है। और बहुत सी नॉर्मेलिटीज हैं, हमने पढ़नी है, रीजनल का लास्ट टॉपिक है हमारा,
आ जाना क्लास में, लेक्चर ले लेना ठीक है, जिस दिन टाइम हुआ ना उस दिन इनका लेना है, जिस दिन मैंने इनका लास्ट टॉपिक है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज का टॉपिक है आज, तो बल्कि फिश आज मतलब आज तो वो कंजेनिटल का नहीं है, आज हम लोग पीटर्स के ट्राइमेस्टर्स पढ़ लिए हैं सारे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड थर्ड, आज भी बायोमेट्री के ऊपर ही होगा कि कैसे हम बायोमेट्री उसकी पॉप्स की। हाँ लास्ट लेक्चर एक फीटल सर्कुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉपलर स्कैन जब करते हैं एसडी रेशियोज लेनी होती है, और एसडी रेशियोज और डॉपलर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट, डॉपलर बल्कि मैंने तुमको लेक्चर भी सेंड करना था, मैंने कहा था मेरा डॉपलर वाला वैसे उनके पास तो रीजनल का तो है, जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ी हुई है उनको, आप लोगों ने मुझसे जर्नल पढ़ी हुई है, जर्नल वालों के पास डॉपलर नहीं होगा, डॉपलर वाला टॉपिक मेरा रीजनल में है, तो मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगी, और वैसे आपकी नॉलेज के लिए डॉपलर की बेसिक चीजें कि डॉपलर में क्या चीजें होती है, इसके बाद ही है 11 बजे है रिकॉर्डिंग ले लेना ठीक है, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी के इनसे मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के पास, तो एक तो डॉपलर का लेक्चर ले लेना, बेशक उसकी रिकॉर्डिंग ले लो डॉपलर के लेक्चर की ना, जो इनको मैंने सेकंड लेक्चर था इनका तब पढ़ाया था ठीक है, उस वक्त डॉपलर पढ़ लो, और दूसरा ये कि कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज और फीटल सर्कुलेशन वाला भी टॉपिक देख लेना, क्योंकि डॉपलर जो फीटस के अंदर इंपॉर्टेंट है ना, जो हम लोग लाइकल आर्टरी और उसका डॉपलर लेते हैं, एस डी रेशियो किस में लेनी होती है, फर्स्ट ट्रेमेस्टर में कितना होता है, सेकेंड में उसकी वेव्स कैसे डिफरेंट हो जाती है, ये फीटल सर्कुलेशन का भी टॉपिक आपका भी रहता है, तो आपके अंदर ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो वैसे ही नॉलेज है। जर्नल में तो वैसे ही जर्नल में पढ़ाना भी नहीं चाहिए, सारा कुछ रीजनल के अंदर ही, रीजनल किससे पढ़िए, डॉपलर नहीं पढ़ाया हमने, सिर्फ ऑर्गन सेक्रेटरी। हाँ तब वो आई भी नहीं थी, नहीं कोई बात नहीं, आप लोग मेरे रिकॉर्डिंग ले लो, लेक्चर ले लो अपनी नॉलेज के लिए, इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर भी रिकॉर्डिंग तो आपको समझाई उसमें, मैंने क्लास में इनको समझाया ही ना, रिकॉर्डिंग में समझ आ जाएगी, डॉपलर जरूर पढ़ो बेसिक डॉपलर ठीक है, वो डॉपलर के नाम से है मेरे पास टॉपिक ठीक है, और उसके अलावा जो है कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज और फीटल सर्कुलेशन ठीक है, ये वाले 3 जो है ना ये आप एग्जाम से फारिग हो जाओ आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन मुझे याद जरूर करा देना, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वहां पे मैं बल्कि रिकॉर्डिंग ही उधर डाल देती हूँ आपके उसके अंदर ही मेमो के अंदर ठीक है, नहीं मैं इनके ना वो जो बना हुआ ना हमारा रिकॉर्डिंग वाला उसके अंदर ही डाल देती हूँ, मेमो के अंदर, मेमो के अंदर ही ना उसके अंदर डाल देती हूँ, आप देख लेना फिर वो टॉपिक्स नाम से ना, तो वहीं पे आपके पास ही आ जाएगा, तो वो अगर वो वैसे लेक्चर चाहिए वो तो रिकॉर्डिंग है ना, लेक्चर्स वैसे चाहिए वो भी वैसे ही उसमें डाल दूंगी ठीक है, तो उसमें ले लेना आप लोग लेक्चर्स और प्लीज पढ़ लेना उसको ठीक है। वो वहीं से मैंने टॉपिक वैसे लेक्चर से डाला था, लेकिन पढ़ाया बेसिक में लेना, तो आजकल मेरी एक क्लास हो चुकी है ट्राइमेस्टर्स की, मैं अभी तो ग्रे स्केल की सारी इमेजिंग पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर्स की पढ़ी नहीं है, बायोमेट्रिक के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, किस वीक में हमें क्या चीज अल्ट्रासाउंड पर नजर आना स्टार्ट होती है, हम लोगों ने अभी पढ़ लिया हुआ है कि 5th-4th वीक पे सबसे पहले क्या अल्ट्रासाउंड पे नजर आएगा, 5th वीक पे क्या नजर आएगा, नहीं आता नजर तो फिर हम मदर को 1 वीक का गैप जरूर देते होते कि 1 वीक के बाद आपने स्कैन कराना है, वो फिर टाइम 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 के बाद एक एक वीक के बाद हमने उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है डेसिडुअल रिएक्शन होता है वो मदर की, डेसिडुअल रिएक्शन क्या था, मदर के जो एंडोमेट्रियल लेयर है उसकी थिकनिंग हो जाती है और डबल लेयर बन जाती है, सबसे पहले अपीयरेंस यही होती है, हमें अभी तक फीटस का कुछ नजर नहीं आना स्टार्ट हुआ, 4-4.5 वीक के ऊपर हमें थोड़ा सा उसके अंदर कुछ नजर आएगा, वो क्या होगा, गेस्टेशनल सैक, छोटा सा सैक विदाउट एनी एम्ब्रियो एन एक्वेक ठीक है, कोई सैक उसमें कुछ नहीं नजर आएगा, फिर 1 वीक के बाद 5.5 वीक के अंदर फिर हम उसके अंदर हमें उसके अंदर योग सैक नजर आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है, अगर कुछ नजर नहीं आया सिर्फ सैक ही नजर आया तो वो सीडो भी हो सकता है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज पड़ी थी वो भी हो सकती है ठीक है, अगर योग सैक नजर आ गया विद अ फीटल पोल, फीटल पोल क्या जिस जगह पे अटैच होगा जिस वॉल के ऊपर वहां प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाएगा, अगले वीक पे चले जाओ 6th वीक पे योग सैक बन गया, अब वो एम्ब्रियो बन जाएगा छोटा सा ठीक है, एम्ब्रियो हम लोग उसका CRL मेजर करते हैं, उसको हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा उसके अंदर क्या चीज है, बस छोटा सा हमें टिश्यू टाइप की चीज नजर आ रही है ठीक है, तो फिर हेड से लेके उसके रम तक हम लोग उसको CRL मेजर करते हैं ठीक है, पहले गेस्टेशनल सैक मेजर करते हैं, फिर उसके बाद CRL मेजर करते हैं, फिर वो हमें डेटिंग बताता है कि क्या डेट है एग्जैक्ट उसकी, क्या फीटस की क्या एज है उसमें, क्या वीक पे चल रहा है ठीक है,
तो मेयरमेंट के लिए पहले गेस्टेशनल सैक मेयर करते हैं, फिर योग सैक मेयर करते हैं, फिर उसके बाद सीआरएल लेते हैं. सीआरएल के बाद 12 वीक तक जो है वो ये हार्ट बीट भी आ जाती है. 7 वीक पे हार्ट बीट डिटेक्ट कर लिया, हार्ट रेट ले लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अंदर उसके लिम्स बन गए. फिर हम बीपीडी लेते हैं. सेकंड ट्राइमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनामलीज क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया था ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है, तो फिर हम हर ऑर्गन्स को मेयर करते हैं. ठीक है, एनामली स्कैन उस टाइम करवाते हैं. 18 वीक ऑनवर्ड जितने हैं वो फिर हम लोग एनामली स्कैन करवा सकते हैं. सेकंड ट्राइमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है और थर्ड ट्राइमेस्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर फीटस की पोजीशन देखनी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, वो किस तरह लाए कर रहा है. ठीक है, फॉर द डिलीवरी उसके लिए प्लान किया जाता है कि वो नॉर्मल है या फिर उसकी पोजीशन ब्रीच है या सेफेलिक है. प्लेसेंटा की पोजीशन इंपॉर्टेंट देखनी होती है. ठीक है, फंडस पे है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर, और अगर इंटरनल लॉस के बिल्कुल ऊपर आ गया उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, तब भी वो जो है एबनॉर्मल है. ठीक है, तो प्लेसेंटल पोजीशन वो सारी, ये इतना सा टॉपिक था बस. कि मतलब डिटेल तो फिर अब आप यही है कि मतलब वीक वाइज हमें क्या इंपॉर्टेंस है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की क्या क्या बायोमेट्री, ये मेयरमेंट्स जो होती है ना जिनको बीपीडी फीमर लेंथ, इनको बायोमेट्री कहते हैं. ठीक है, आज का टॉपिक बायोमेट्री के ऊपर है. वैसे हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी ट्राइमेस्टर वाइज पढ़ी. ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सेकेंड में, थर्ड में जो है वो फिर AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेना, पेशेंट की पोजीशन, फिटस की पोजीशनिंग, प्लेसेंटा की पोजीशनिंग, बीपीपी बायोफिजिकल प्रोफाइल उसका लेना कि फिटस प्रॉपर रिस्पॉन्स कर भी रहा है नहीं कर रहा, ये सारी. इसीलिए इनको मैं जोर इसीलिए डालती हूँ, फैब्सेटिकल अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है. 3-4 डॉक्टर इसके ज्यादातर स्कैन आपको पता है ज्यादातर ऑप्स के ही हो रहे होते हैं, एब्डोमिन के कम होते हैं, ऑप्स के बहुत लेक्चर्स में डिवाइड की हुई है. और उसका क्या कहते हैं, डॉपलर अलहदा टॉपिक बनाया हुआ है, 2D के लिए अलहदा टॉपिक है सारा, ट्राइमेस्टर्स वाइज. आज बायोमेट्रिक के ऊपर है, जो मेयरमेंट्स लेते हैं, बीपीडी कैसे लेना है, हेड सर्कमफेरेंस कैसे लेना है. ठीक है, तो नहीं ले सकते तो रिकॉर्डिंग्स ले लेना, आपके लिए है तो आप लोग जरूर अपनी नॉलेज के लिए. ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अब आपका एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो और पढ़ के दो. ठीक है, बहुत ईजी होगी. ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है. और वो जब हम अपनी तरफ से करते हैं ना, वो गलत हो जाता है. UHS पैटर्न है, मैं हमेशा UHS को फॉलो करती हूँ. ठीक है, चलो अगर आप UMT से पढ़ रहे हो तो एग्जाम की तैयारी उस तरह करो कि आप लोगों को मसला ना हो बाद में. वही ऑप्शन जो है ना, एक ऑप्शन जरूर उससे मिलता जुलता रखती हूँ कि बच्चा थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो, या ये होगा या ये होगा या ये होगा. अब चीटिंग होनी है ज्यादा, इधर साथ साथ बैठे हो गए, बताओ थर्ड का क्या है, फोर्थ का क्या है. अब लोग इन्विजिलेशन की ड्यूटियां हम दे रहे होते हैं ना जब, तो मैं मेरे एक तो मैं पेपर मुश्किल बनाती हूँ. ठीक है, जितना मैं तुम लोगों को इतना अच्छा पढ़ाती हूँ उतनी मैं हर उस पे ना सख्त भी हूँ. पेपर बनाने में, चेकिंग में, मैं हर चीज जो है ना, मैं हर चीज जो है ना उसकी मेरिट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि हर एक के साथ जो किसी के साथ ज्यादती ना हो, हर एक को जो चीज है वो बाकी पढ़ने वाला है. नंबर लेके क्या कर लोगे, 4 GPA आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, मेरे यकीन करो जहाँ पे इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगती है बच्चे आगे देख के जाते हैं, मिस आरफा है, निकल के दूसरी क्लास में चले जाते हैं. मैंने कई दफा नोट किया है कि 2 क्लासेस में अगर एग्जाम अगर तुम लोगों का हो रहा है, मेमो इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, बच्चे आएंगे देखेंगे मिस आरफा ही है, वो दूसरी क्लास वाले टीचर के पास चले जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, और बेचारे फिर जब उधर क्लास फुल हो जाती है तो फिर जो मुंह लटका के मेरे पास आते हैं ना, हाँ तो सब देख लो. मैं जो है ना कभी कभी तो मैंने पेपर भी एक बच्चे का कैंसिल किया था, चीटिंग केस मैंने पकड़ा था. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, एक बच्चा था शायद मुझसे, उसने पढ़ा भी हो अभी शायद है कि नहीं पता नहीं, उसे पता चल ही गया होगा. मैंने मिड टर्म में उसका पकड़ा था, मोबाइल से चीटिंग कर रहा था, मैंने पेपर कैंसिल कर दिया, मेरा ही पेपर था तो नहीं नहीं ऑन कैंपस 2.5 साल की बात पहले. हाँ तो वो जनाब ने मिड टर्म हो रहा है, बड़े मजे से कहता है कि ना इतना ईजी पेपर, मैं मुझे वही पता चल गया, मेरा पेपर कोई भी बच्चा कह नहीं सकता कि ईजी है.
ठीक है, तो मिस बड़ा इजी, बच्चे आगे बैठे हुए कह रहे हैं, कहते हैं मिस पेपर बड़ा मुश्किल है, मैं समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा नहीं नहीं करो, और वो पीछे से बैठा एकदम से बोला, वो वाली लैब जो थी ना हमारी एनाटॉमी लैब, उधर एग्जाम होते थे, थोड़े से ही बच्चे थे, और वो टेबल इतना बड़े बड़े आगे पड़े होते हैं, पीछे स्टूल होता है, ठीक है, और सर्दी भी थी तब ना, उसने अपर सा पहना हुआ था, वो जिसके यहाँ पॉकेट्स होती हैं, अच्छा वो जनाब बैठा, कहता है मिस पेपर बड़ा आसान है, वो बच्चा अगर आप, मैं नाम लूँ तो आपको शायद पता चल जाएगा, वो बच्चा वाकई थोड़ा सा, ठीक है, समझ गए होंगे कुछ तो, पता नहीं है कि नहीं इसमें, इसमें शायद ना हो, उसने ड्रॉप कर दिया कि नहीं हुआ, तो नहीं मतलब कि वो बहुत तंग करता है बच्चा, एक होता है ना कि मतलब, खैर उसको फिर मैंने कहा कि भाई, उससे मुझे शक हुआ था, वरना मैं शायद ना शक करती उसके ऊपर, जब उसने कहा ना मेरे पेपर तो आसान है, मतलब इजी है, और एक दो मैंने एमसीक्यूज ऐसे दिए थे कि वो इजी नहीं थे, वो बच्चों को मैं, उसने कहा मेरे पेपर आसान है, मैंने कहा अच्छा पेपर आसान ही, पढ़ने वाला बच्चा लगता नहीं है कि पेपर आसान है, मैंने उसको ज्यादा नजर रखना शुरू, और वो पेपर दे कर रहा, पेपर कर रहा दूंगा नीचे, पेपर कर रहा दूंगा नीचे, मैंने मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल उस वहां से उसका पेपर उठाया, उठा के ना अपने पास ले आई, मैंने कहा ऊपर मैंने लिख दिया चीटिंग केस, और जब हो जाएगा उसके ऊपर तो 0 मार्क्स लगेगा, अच्छा वो वैसे कहता है कि मैं बड़ा पढ़ने वाला हूँ, मुझे फुल मार्क्स आते हैं मेरे, मैंने कहा इस तरह मार्क्स लेते हो फुल है तुम, उसने बाद में आता रहा मैं सॉरी ये वो, अल्ट्रासाउंड का ही था कोई, पता नहीं रीजनल था या जनरल था, मुझे अभी नहीं, अल्ट्रासाउंड था ये मुझे पता, अच्छा खैर उसके पास जब मैं गई ना, उसने कहा मैम, मैंने कहा चीटिंग कर, मैंने जब पेपर में कहता मैम क्या हुआ है, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, पेपर कैंसिल है आपका, तो कहता है मैंने कहा आप चीटिंग कर रहे थे बाद में जब मैंने कहा, तो कहता है कि नहीं मैम मैं नहीं चीटिंग कर रहा था, मैंने कहा मोबाइल किधर है आपका, कहता है मैं इस पॉकेट में, मैंने कहा निकालो मोबाइल दो, तो उसने कहीं जब जब उसको शक हुआ, पीछे बैठा जब उसको शक हुआ ना कि मैं उसके पास आ रही हूँ, तो उसने मोबाइल कहीं ऑफ कर दिया, मतलब उससे बंद नहीं हुआ फोन, मतलब ऑफ नहीं हुआ, उसने वो लाइट ऑफ कर दी उसकी ना, मैंने कहा मोबाइल दो, उसने दिया, मैंने कहा इसको जरा खोलो, इसका वो लॉक जो कर, खोला सामने लेक्चर खुला हुआ था, ठीक है, मैंने कहा पागल समझा हुआ है, वहीं पे मैंने कैंसिल किया उसका पेपर, उसके बाद उस बच्चे की वो देखो जरा कि मैं तो 4G मेरा तो वो GGPA कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसने सब्जेक्ट ही ड्रॉप कर दिया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा इतने तुम पढ़ने वाले हो गए, अभी मिड टर्म होना है, वो सॉरी इतने असेसमेंट्स होने हैं, फाइनल होना है, वाइवा होना है, मिड की जितनी भी वेटेज हो चलो 20, अच्छी मेहनत करो अच्छे नंबर ले सकते हो, मेहनत करने पर क्या है, ठीक है, तो उसने सब्जेक्ट ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है ठीक है, बच्चे कुछ तो ऐसे मैंने मुझे कहते होते हैं हमें तो इतना CGPA चाहिए, इतना CGPA चाहिए, इतने मार्क्स लो, पढ़ लो ले लो, मैंने देना है जितना जिसका जितना पढ़ोगे उतना, नहीं दिया मुझे बहुत इजी लगता है, मैं सीधा सीधा स्टेटमेंट्स देती हूँ और बड़ा इजी उसका, मैं बल्कि कई दफा तो मैं पेपर बना के अपने हस्बैंड से कह रही होती हूँ जरा इसके आंसर दें, वो कभी कभी दे देते होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, हालांकि वो इंजीनियर है, ठीक है, उनको हमारी काफ़ी चीज़ें वो उनसे मिलती जुलती होती हैं, हाँ वो मेडिकल वाले नहीं दे सकते होते, तो वो आंसर दे देते, कहते तुम इतना आसान पेपर बनाती हो, लेवल क्या है बच्चों का इतना, इस तरह ना कभी मैं उनसे पूछूं तो, और यकीन करो मैंने पता नहीं किसका पेपर मिड का कोई एक पेपर बनाया था, और मैंने सारा LMS पर डाल के उनको कह रही जरा इसका, उन्होंने 18 मार्क्स ले लिए उसमें, पता नहीं अब तुक्के मारे थे क्या किया था, तो 20 में से 18 मार्क्स ले गए, तो मुझे कहते क्या लेवल है इन बच्चों का कि इनको, और अभी भी, और यकीन करो फिर भी बच्चे पढ़ के भी जो इतने कम नंबर लेते हैं तो वो हंसते होते हैं, कहते हैं देख लो जरा हाल स्टूडेंट्स का, मैं कहा नहीं पढ़ते मैं क्या करूँ खैर मेरा पेपर आसान ही होता है, मेरे लिए आसान होता है, वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी आसान है, मैं आप लोगों को जो चीज़ें क्लास में इंपॉर्टेंट भी कहती रहती हूँ, ये इस तरह आ सकता है, मैं तो बताती भी रहती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ये इस तरह हो सकता है, ये MCQs हो सकता है, ये इसके लिए हम पॉइंट, लेकिन एग्जैक्टली तो मैंने वो नहीं देना ना साइड से उठा के, अब थोड़ा सा मैं बुक्स वाली बच्ची हूँ, ठीक है तो मैं बुक्स को जवाब तो मैंने बुक में, लेक्चर भी ज़्यादातर वहाँ से बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं एग्जाम भी वहाँ से बनाऊँ, ठीक है तो मैं उससे कुछ मिलता जुलता ही उससे बनाती हूँ आपके उस टॉपिक से, ठीक है इंशाल्लाह आप एग्जाम के बाद मिलेंगे, अच्छे से एग्जाम दो, और सब कहना मुझे पता चलेगा सब कहना बहुत आसान पेपर था मिस और अच्छा हुआ, कोई नहीं यार आप मुझे कहोगे आसान देखना, पढ़ने वाले बच्चे कहते क्या, पढ़ने वाले आते भी कहते हैं बहुत आसान पेपर था, बहुत आसान, फुल मार्क्स लिए हुए हैं मेरे जो सीनियर्स हैं उनके 100% ही मार्क्स आए हैं मेरे सब्जेक्ट के, 98-99 कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे उन्होंने लिए हैं, और वो अच्छे बच्चे थे, हालांकि क्या पेपर वो उन्होंने इधर से पढ़ के दिया हुआ है ना, वो कहते हैं मिस आपका पेपर आसान होता है, मुश्किल उन्हीं के लिए ही है जो नहीं पढ़ते, ठीक है चलो ओके अल्लाह हाफिज़।
सारा